सो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं वापस। आज हम देखेंगे ऐसे वीडियो जिसे देखने के बाद आप भी कहोगे प्रैंक कहाँ है, प्रैंक कहाँ है, प्रैंक कहाँ है, प्रैंक कहाँ है। तो आज हम देखेंगे प्रैंक ऑन क्यूट गर्ल्स इन इंडिया। बहन चोद, सारे गर्ल्स ही क्यूट है, हम सारे लड़के तो बंदर के शक्ल के हैं। कोई लड़का या लड़की हम पे भी तो प्रैंक करे, तभी तो बिना साबुन पानी के धोने का मौका मिलेगा, पर नहीं। तो आज हम देखेंगे इन वीडियोस को और ढूंढेंगे प्रैंक कहाँ है। तो आज हम सिखाएंगे इन बहन के लोड़ों को नानी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जानी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी प्रैंक के। अरे बहन चोद, कान क्यों फोड़ रहा है, इसका क्या मतलब है? कोई इसको पहले पागल खाने लेके जाओ। तुम्हारी माँ कैसी है? तुम्हारी माँ कैसी है? कुछ भी। बहन चोद, इतना गंदा एक्टिंग, मतलब तुम लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस सोचो कि तुम आराम से चल रहे हो और कोई लड़का आता है और तुम्हें देखकर ये बोलता है, तुम्हारी माँ कैसी है? तुम्हारी माँ कैसी है? कुछ भी। तुम्हारी क्या, तब तुम्हारा रिएक्शन ऐसा होगा, तुम्हारी माँ कैसी है? कुछ भी। तुम्हारी मतलब कोई तुम्हारे माँ के बारे में बोल रहा है और तब तुम ऐसा रिएक्ट करोगे? बहन चोद, एक्टिंग करो। चलो ठीक है, कम से कम ऐसे तो एक्टिंग करो जिसे देखकर रियल लगे। अरे कौन? तुम्हारा देखभाल करने वाला, तुम, तुम्हारा आशिक। बहन चोद, पहले ठीक से पैदा तो हो जा, बाद में आशिक बनना। बहन चोद, अगर कोई दूसरी लड़की होती ना तो पटैक से मार के छटैक से भगा देती। बहन चोद, इसका शक्ल तो देखो, लग रहा है कि कुत्ते और बंदर का टट्टी से पैदा हुआ है और ये गर्लफ्रेंड बनाएगा। जा बेटे जा, पहले अपना शक्ल ठीक करवा के आ, बाद में गर्लफ्रेंड बनाना। कुत्ते और बंदर के टट्टी से शक्ल का भक्त भूसरी के। करो, शेयर करो, भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, गर्दा उड़ा दो कर। अले ले ले, बच्चे को ठीक से सब्सक्राइब बोलना नहीं आता। जा बेटे जा, और 5 साल स्कूल में पढ़ के आ जा, फिर गर्लफ्रेंड बनाना और प्रैंक करना। तुम्हारे, मैंने तुमको देखा, तुम्हारे दोनों बहुत बड़े दिख रहे थे। क्या बड़े दिख रहे थे? क्या बड़े दिख रहे थे? वो भी बहुत अच्छे दिख रहे थे। क्या अच्छे दिख रहे थे? दिल, दिल। बहन चोद, तूने तो छाती फाड़ के देखा है ना कि कितना बड़ा दिल है। बहन चोद, इस बच्चे को शायद किसी ने बताया नहीं कि दिल दो नहीं एक होता है। कब देखे? कब देखे? कब देखे? अरे बहन चोद, इसको ठीक से सुनाई नहीं देता और ये गर्लफ्रेंड बनाएगा। बहन चोद, पहले कान का इलाज करवा ले, फिर गर्लफ्रेंड बनाना और प्रैंक करना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर प्रैंक कहाँ है? प्रैंक कहाँ है? सब लोग बच्चा बच्चा बोल के मेरे को भगा देते हैं। बहन चोद, तेरा शक्ल देख के सब लोग डर जाते होंगे, अब समझ आया खुद का औकात तेरे को? हाँ, मैं उससे बात करूंगा। बहन चोद, ये अपने माँ को बाप और बाप को माँ बोलता होगा, आता तो इनको कुछ नहीं और ये प्रैंक करेंगे। बहन चोद, तेरे पास लंड है भी या नहीं? मुझे प्यार दिख रहा है, मुझे गोद में उठा लो ना। बहन चोद, तेरा गर्लफ्रेंड है या माँ, तेरे को गोदी में उठा लेगा। कहाँ जाने का? मुझे वहाँ से जाओ, आपका दिल का रास्ता है। दिल का दरिया। हाँ बहन चोद, छाती फाड़ के घुस जा दिल के अंदर। एक हम है जिनको अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं मिला और इनको, बहन चोद, ठीक से पैदा नहीं होते और इन्हें गर्लफ्रेंड मिल जाता है, पर गोदी में तो नहीं लेगा, पक्का नहीं लेगा, एकदम पक्का वाला नहीं लेगा। बस बहन चोद, खत्म, सब कुछ खत्म, एकदम सब कुछ खत्म। और ये तेरा बॉयफ्रेंड है या बेटा, कैसे उठा रहा है? ये क्या था? अरे क्यों घुमाएगी, माँ थोड़ी ना है तेरी। चलो यहाँ तक तो ठीक भी था, पर ये क्या है? बहन चोद, ये कैसे गोदी में उठा रहा है? लग रहा है कि कोई चावल के बोरी को उठाकर ले जा रहा है। बहन चोद, अपने माँ के उम्र के लड़की को गर्लफ्रेंड बनाएगा? और यहाँ तक भी खत्म नहीं हुआ। बहन चोद, किस, वो भी इतने बड़े लड़की को? बहन चोद, अब लेटा के वो भी कर ले। बस यार ये दुनिया खत्म, खत्म ये दुनिया। ऐसे बहन के लोड़ों की वजह से आज इतने रेप बढ़ रहे हैं इंडिया में, प्रैंक के नाम में किस, वो भी इतने छोटे लड़के से। अगर अभी भी लगता है तुम्हें कि ये कम है तो ये देखो। आ जाओ फिर, इधर आओ। ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। बहन चोद, ये कैसी हंसी है? लग रहा है कि पब्लिक ने मार मार के इसके अंदर का सारा हवा गांड से निकाल दिया। बहन चोद, कितना खुश हो रहा है, लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। बहन चोद, सुधर जा। हंस क्यों रही है? दिक्कत तो नहीं आपको? मेरे को क्या दिक्कत होगी? बहन चोद, कोई अनजान लड़का इतना बड़ा लंड लेकर आएगा और कोई लड़की उसको क्या कहेगी? हंस क्यों रही है? दिक्कत तो नहीं आपको? मेरे को क्या दिक्कत होगी? बस यार यही तो होता है अच्छे
अच्छी लड़की की निशानी। यहाँ पे हमारे साथ तू मजे लेने आया, टाइम पास करने आया अपना? नहीं मैं दो पापा। हाँ तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि कोई लड़का इतना बड़ा लंड लेकर तुम्हारे साथ मजे नहीं करेगा तो और क्या करेगा? मतलब कोई प्रैंक कितना स्क्रिप्टेड हो सकता है ये देखो। कोई नहीं, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देना, डाल देना, कोई दिक्कत नहीं। डाल दे। तुम कोई लड़की के साथ गंदी तरह से फ्लर्ट करोगे और वो आखिर में क्या कहेगी? लगा दो, कोई नहीं, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देना, डाल देना, कोई दिक्कत नहीं। डाल दे। बस बहनचोद, हम पागल नहीं है। तो बस यार आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो बस यार आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।